हे दोस्तों, टोफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करेंगे क्योंकि आजकल साउथ की फिल्में बाहर के देशों में भी काफी अच्छी कमाई कर रही हैं। तो काफी लोग जानना चाहते हैं कि भाई जो फिल्में 1000, 1200, 1500 करोड़ का कलेक्शन कर रही हैं, आखिर इन फिल्मों ने सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं साउथ की फिल्मों के बारे में जिन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। छुप छुप के, डर डर के नहीं, सामने से वार करना होगा। जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे। नंबर 5, 2.0। शंकर के डायरेक्शन में बनी रजनीकांत की ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को करीब 550 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन जितना लोगों ने फिल्म से उम्मीद किया था ये फिल्म उस लेवल की नहीं थी। इसलिए फिल्म के बजट को देखें तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी कमाया था। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने करीब 750 करोड़ की कमाई की है। बात करें इंडियन बॉक्स ऑफिस की तो सभी भाषाओं में 2.0 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 489 करोड़ का कलेक्शन किया था। हिंदी में इस फिल्म ने 189 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं तमिलनाडु में फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इसी तरह बाकी सभी स्टेट को मिला के इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 489 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 4, बाहुबली 1। बाहुबली 1 ही वो फिल्म थी जिसने साउथ सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। यही वो फिल्म है जिससे पैन इंडिया फिल्मों की शुरुआत हुई थी। एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे 180 करोड़ के बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का कलेक्शन किया है। लेकिन बात करें सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस की तो हिंदी में इस फिल्म ने 118 करोड़ 70 लाख, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में करीब 172 करोड़, कर्नाटका में 81 करोड़ 50 लाख, तमिलनाडु में 62 करोड़ 66 लाख, इसी तरह बाकी और स्टेट को मिला के बाहुबली 1 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 520 करोड़ का कलेक्शन किया है। मेरी माँ और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता, उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूँ मैं। नंबर 3, RRR। इस साल 2022 में रिलीज हुई एसएस राजामौली की फिल्म ने भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया है। बाहर के देशों में फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है, लेकिन बात करें सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस की तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ग्रोस कलेक्शन 400 करोड़ से ज्यादा आया था। जी हां, सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। उसी तरह से कर्नाटका में करीब 77 करोड़, तमिलनाडु से करीब 80 करोड़, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर करीब 275 करोड़, उसी तरह बाकी और स्टेट को मिला के RRR ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 944 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट 550 करोड़ था, यानी कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है। जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी, खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। नंबर 2, KGF Chapter 2। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया है। KGF चैप्टर 2 को भी इसी साल 2022 में रिलीज किया गया था। करीब 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा कलेक्शन किया है। सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही इस फिल्म ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है। जी हां, सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी बॉक्स ऑफिस से आया है, जहां पर इस फिल्म ने करीब 435 करोड़ का कलेक्शन किया है। कर्नाटका से करीब 183 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से करीब 138 करोड़, तमिलनाडु से करीब 120 करोड़, उसी तरह बाकी और स्टेट को मिला के KGF चैप्टर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। नंबर 1, बाहुबली 2। जी हाँ, बाहुबली 2 ही वो फिल्म है जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। दंगल हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों में नंबर 1 पर है, लेकिन दंगल फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 538 करोड़ का कलेक्शन किया था। आप सब तो जानते ही हैं कि दंगल फिल्म ने चाइना में सबसे ज्यादा कमाई की थी, लेकिन बाहुबली 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है।
इस फिल्म ने सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही 1429 करोड़ का कलेक्शन किया है। हिंदी में बाहुबली 2 ने करीब 512 करोड़ कलेक्शन किया था। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में करीब 327 करोड़, तमिलनाडु में 150 करोड़, कर्नाटका में करीब 130 करोड़, उसी तरह बाकी और स्टेट को मिला के बाहुबली 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1429 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो बाहुबली 2 ही वो फिल्म है जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। तो दोस्तों, ये थी साउथ की वो 5 फिल्में जिन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है। आपको इन 5 फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।